कर्नल यशवंत निको से, डेकोरेटेड एक्स आर्म फोर्सेस, 2 साल पहले एक पुलिस वाले को मारा था, ट्राइंग टू रेजिस्ट अरेस्ट। निको से एक बार मैं पी रहा था, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। जब कंप्लेंट आई तो रावल वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। रावल ने उसे शांत करने की कोशिश की, निकोसे ने कांच की बोतल से उस पर अटैक किया, रावल डेड ऑन द स्पॉट। आखिर देशवासियों को मेरी याद आएगी। देशभक्तों को और हरामियों को देश कभी भूलता नहीं। जुबान संभाल कर ऑफिसर। जुबान तो तुझे संभालनी चाहिए थी, अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा है और बेचारा अशोक बाप पे भगवान ढूंढ रहा है। उसे कोई नहीं पकड़ सकता। हर चूतिए को यही लगता है कि वो चूतिया नहीं है जब तक उसका बाप उसके सामने नहीं आ जाता। क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक अच्छा बाप बन, ऑफिसर नहीं। एक मैसेज रिकॉर्ड कर और अपने ऑर्डर्स वापस ले। बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन ये साली उम्र कैद भी ना बड़ी लंबी होती है, थोड़ी छोटी हो जाती तो तुझे वही मिला जो तू डिजर्व करता है। पुलिस फोर्स को भी वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। अब उसे तेरी तरह पकड़ेंगे नहीं, सीधा ठोकेंगे। शहीद अशोक का बाप कहलाऊंगा। खोल कर देख। डर लग रहा है? मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी, बट देन आई वाज टोल्ड कि इसमें से किसी भी बच्चे की उम्र 9 साल से ऊपर नहीं है। बास्टर्ड, मुझे फ्रेम करा है। एक काम कर, बेल्ट छोड़कर जाता हूं, फांसी लगा ले, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। कोई नहीं मानेगा तेरी बात। मुझे भी नहीं लगा था, फिर मैंने सोचा कि अशोक भी कभी बच्चा रहा होगा, उसके बाप ने उसके साथ क्या क्या किया होगा जो वो उसके इतने कंट्रोल में है। चुप कर। ये वन टाइम ऑफर है, वरना ये जेल तेरे लिए नर्क बन जाएगा बच्चे बास।